सो टेक फैमिली, अगर आपको लाइक बिजनेस के रिलेटेड लैपटॉप चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए एंड अगर आपका बेड 20,000 से लेके 25,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, आज मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा, दो लैपटॉप बताऊंगा, ज़्यादा लैपटॉप नहीं बताने वाला, कन्फ्यूज नहीं करने वाला, बिकॉज दो लैपटॉप आपको पैसा वसूल मिल जाते हैं 20,000 से लेके 25,000 के प्राइस रेंज में। अभी बात करते हैं नंबर टू की। सो टेक फैमिली, आज मैं सिर्फ आपको दो लैपटॉप बताऊंगा जो कि फुली लोडेड होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यार, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो फॉलो भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने लाइक बजट के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो अगर आपका बजट 20,000 है तो भाई आप जा सकते हो अविता एसेंशियल की। और अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं, ये दो कलर्स में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 14 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। HD डिस्प्ले नहीं है, ये फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो लाइक 20,000 के प्राइस रेंज में आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाना, वो भी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। सच में एक चीज मैटर करती है, डिस्प्ले क्वालिटी सच में मच बेटर होने वाला है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको इंटेल सेलेरियन N4020 देखने को मिल जाता है, जो कि 1.1 गीगाहर्ट बेस स्पीड देखने को मिल जाती है। 2.8 गीगाहर्ट के साथ आपको टर्बो बूट स्पीड देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने लॉन्ग टाइम काम करना है, आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है तो आप देख लेना। अगर आपको इससे भी ज्यादा काम करना होता है तो आपको चार्ज लगाना पड़ेगा। अगर आप कम काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप सच में बहुत सही होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। नॉर्मल SSD नहीं देखने को मिलती, M.2 NVMe SSD देखने को मिल जाती है, जो कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। तो यार अगर मैं SSD के प्राइस रेंज की बात करूं ना यार, 4,000 से 5,000 की प्राइस जो है ना वो SSD का ही देखने को मिल जाता है। तो 20,000 का लैपटॉप है, बीच में यार आपको लाइक 5,000 की तो सिर्फ SSD लगी मिल जाती है, तो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद भाई कनेक्टिविटी की बात करूं, इसमें आपको वाईफाई सपोर्ट भी मिल जाता है, ब्लूटूथ सपोर्ट भी मिल जाता है। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, आपको HDMI पोर्ट भी मिल जाता है, USB पोर्ट भी मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, प्लस इसमें आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। 2 साल की वारंटी मिल जाते हैं, प्लस 1.37 kg इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया अविता एसेंशियल के। तो भाई अगर आपका बजट कम है 20,000 के प्राइस रेंज में, अगर आपको फुली लोडेड लैपटॉप चाहिए, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। प्लस पॉइंट की बात करूं तो यार इसका प्राइस कभी कभी आपको 18,000 भी देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 20,000 से भी कम है ना, तो यार आपको 18,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है, जो कि एक सच में प्लस पॉइंट हो जाता है। जो प्राइस है ना वो फिक्स नहीं होता, आपको 18,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, आपको 21,000 के प्राइस रेंज में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 21,000 से अपर नहीं जाता ये लैपटॉप, इतने प्राइस रेंज में ये रहता है। तो अगर आपको 18,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल जाता है ये स्पेसिफिकेशन के साथ, सच में आपके लिए पैसा वसूल चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाइंग लिंक वैसे मैंने आपको दे दिया, अगर आपने चेकआउट करना है, फोटोज़ देखनी है, स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं, आप पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पे यार मैंने रखा है ASUS VIEWBOOK 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो सबसे पहले 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है, लैपटॉप पूरा लोडेड है, इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको बहुत सही मिल जाते हैं। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूं, इसमें भी आपको इंटेल सेलेरियन देखने को मिल जाता है N4020 के साथ, प्लस आपको 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड मिल जाती है, प्लस आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो बूट स्पीड देखने को मिल जाती है, 2 कोर प्लस 2 थ्रेड के साथ देखने को मिलेगा ये प्रोसेसर। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, मतलब अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस आप अपग्रेड कर सकते हो 8GB तक। लाइक अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है या अगर आपका कोई काम ऐसा कि आपको रैम ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट डील होने वाली है। प्लस इसमें भी आपको M.2 NVMe SSD देखने को मिल जाता है 256GB के साथ, ठीक है। एक प्लस पॉइंट फिर से देखने को मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 मिल जाता है, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, प्लस 1.8 kg वेट देखने को मिल जाता है। अभी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, आपको 1 HDMI पोर्ट मिल जाता है, प्लस आपको 1 3.5mm जैक मिल जाता है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करूं, आपको ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाता है, प्लस आपको वाईफाई 5 की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है ASUS VIEWBOOK 15 में।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS VIVOBOOK 15 के। तो यार अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, अभी मैंने इसका प्राइस रेंज देखा था आपको 25,200 के प्राइस रेंज में देखने को मिलता था, लेकिन Amazon पे ना प्राइस फिक्स नहीं होता, जो प्राइस है ऊपर नीचे जाता रहता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये आपको लाइक 25,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, ये आपको 28,000 के प्राइस रेंज में भी देखने को मिल जाता है, तो इसी प्राइस रेंज में ये रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है। जो बाइंग लिंक है मैंने इसका भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अभी बात करते हैं कंक्लूजन की कि इनमें से लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो भाई अगर आपका बजट कम है, 20,000 से भी अगर आपका बजट कम है, आपको ये लाइक स्पेसिफिकेशन बहुत सही चाहिए, तो अविता एसेंशियल आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। एंड अगर आपको लाइक काम को ही आपका ऐसा कि आपको रैम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, 4GB से आप अगर आपने 8GB तक जाना है, तो लाइक फ्यूचर प्रूफ अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए तो आप जा सकते हो ASUS VIVOBOOK 15 के, और 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है। प्राइस फिक्स नहीं है, आपको 28,000 के भी बजट में मिल सकता है, लेकिन अभी मैंने इसका प्राइस देखा था आपको 25,200 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता था। तो अभी मैंने आपको दो लैपटॉप बता दिए जो कि इस प्राइस रेंज में सच में पैसा वसूल देखने को मिल जाते हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लस यार मैं हेडफोन, एयरबड्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, प्लस स्पीकर्स वगैरह हो गए, सभी की वीडियोज करता हूँ अपने चैनल पे, उसको देख लिया करो, चैट कर लिया करो। प्लस भी अगर आपने मुझसे कोई बात करनी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।